नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर उमेश, एसोसिएट प्रोफेसर इन गोल्डफील्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन फरीदाबाद। हम बात कर रहे थे एमएट फर्स्ट सेमेस्टर के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में। यहाँ पर 25-25 नंबर के दो पार्ट हैं। पहला है सेल्फ डेवलपमेंट स्किल 1 और दूसरा है सेल्फ डेवलपमेंट स्किल 2। और यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं बताने जा रहा था कि एमएड फर्स्ट सेम में हमारे पास दो प्रैक्टिकल हैं 25-25 नंबर के। पहला है सेल्फ डेवलपमेंट स्किल 1, दूसरा है सेल्फ डेवलपमेंट स्किल 2। सेल्फ डेवलपमेंट स्किल 1 के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। अब हम अध्ययन करेंगे सेल्फ डेवलपमेंट स्किल 2, जिसका नाम है एकेडमिक एंड प्रोफेशनल राइटिंग। एकेडमिक एंड प्रोफेशनल राइटिंग, इसमें मेनली वर्कशॉप इत्यादि के बारे में है, जो हमारा क्या क्या चीज इसमें सजेस्ट की है। तो इसमें है राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट एंड एडिट वंस ऑन राइटिंग, प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन इट। कोई भी अपना एक पैराग्राफ लेकर के अपने शब्द में उसको लिखना, अपने रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को किस तरह से जो है स्कूल में आप जो है कंडक्ट करते हैं कोई काम या प्रोग्राम, उसके बारे में लिखना, या अपना रेज्यूम बनाना बायोडाटा से कहते हो इंटरव्यू के लिए, और प्रोफेशनल लेटर जैसे मेल इत्यादि को बनाना, वर्कशॉप या सेमिनार के बारे में लिखना, बुक रिव्यू के बारे में लिखना, रिसर्च रिपोर्ट के बारे में लिखना, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, ये सब इसमें पार्ट है। तो कोई भी हम जो है यहाँ पर दो एटलीस्ट इस पर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि एकेडमिक राइटिंग क्या है। सिंपल सीधे शब्दों में एकेडमिक राइटिंग वह राइटिंग है जो जनरली स्कूल्स, कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशन में की जाती है। ठीक, जनरली एकेडमिक राइटिंग रिफर्स टू ए पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन दैट रिसर्चर्स यूज टू डिफाइन द इंटेलेक्चुअल बाउंड्रीज ऑफ देयर डिसिप्लिन एंड देयर एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज। आपके पास क्या कुशलता है, उस कुशलता को प्रकट करने के लिए आप एकेडमिक राइटिंग का प्रयोग करेंगे। यदि हम राइटिंग के बारे में देखें तो कितने प्रकार की होती है। सबसे पहला हो गया हमारा एकेडमिक राइटिंग। क्या? एकेडमिक राइटिंग, जिसमें हम कोई जो है टेक्स्ट बुक से, कोई किताब से या कहीं जनरल से उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अपने शब्दों में उसको हम लिखें, वह हमारा एकेडमिक राइटिंग होगा। और दूसरा आता है बिजनेस राइटिंग। इसके अंतर्गत आपके ईमेल्स, मेमोज, नोटिसेस आते हैं जो जनरली बिजनेस पर्पज के लिए होती हैं। तीसरा है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग वह राइटिंग है जिसमें कोई भी राइटर है, लिखने वाला है, वह कुछ न कुछ नया क्रिएट करके करता है, नया इनोवेशन, मतलब जो उसकी ओरिजिनलिटी उस पर नहीं जाता बल्कि उसको अपने तरीके से मॉडिफाई करके ही बनाता है। इसके अंतर्गत आता है आपका जैसे साहित्य को लिखना, स्क्रीन राइटिंग, ड्रामेटिक राइटिंग, कविता या पोएट्री राइटिंग, कॉमिक्स और आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी। जर्नलिस्ट राइटिंग भी इसके अंतर्गत आती है। अगला है हमारा टेक्निकल राइटिंग, जो कि टेक्निकल राइटिंग कम्स इनटू प्ले व्हेन अ डिस्क्रिप्शन, इंस्ट्रक्शन और एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सर्टेन सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड, किसी विशेष चीज पर लिखने के लिए टेक्निकल राइटिंग। अगला है आपका कॉपी या कंटेंट राइटिंग।
और तो इस तरह से यदि हम टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग देखें तो एकेडमिक में ऐसे निबंध लिखना, रिसर्च अनुसंधान के बारे में लिखना, समरी सारांश लिखना, कोई पेपर पढ़ करके उसके बाद उसका सारांश, जनरल के लिए लिखना, किसी बुक का रिव्यू करना, सिंथेसिस और रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो यहां पर हमने जो है एक जो लेटर लिखा है वह लेटर लिखा है कि लेटर कैसे लिखते हैं, ठीक है, इसके बारे में एक ही हो गया। अब दूसरे तरीके का आता है हमारा प्रोफेशनल राइटिंग, कि प्रोफेशनल राइटिंग क्या है और किस तरह से इसको हम लिखते हैं। तो प्रोफेशनल राइटिंग के बारे में देखें तो प्रोफेशनल राइटिंग इज अ स्टाइल और रिटन कम्युनिकेशन यूज्ड इन ए वर्क प्लेस एनवायरमेंट दैट अलाउज प्रोफेशनल, मतलब बिजनेसमैन, प्रोफेसर, डॉक्टर, लॉयर। अगर आप डॉक्टर की पर्ची को देखें तो डॉक्टर अपनी भाषा में लिखता है, ये उसकी प्रोफेशनल राइटिंग है। वकील को देखें तो वकील जो है अपने ही भाषा का प्रयोग करता है, उसे हम जो है क्या कहेंगे, प्रोफेशनल राइटिंग। तो इस तरह से डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, ये सब प्रोफेशनल राइटिंग का प्रयोग करते हैं कि कहां पर क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या बेचना है, क्या खरीदना है, कितने का प्रोडक्ट होगा, इसके लिए एक नई जो है चीजें होती हैं, वो सारी सब इसी प्रोफेशनल राइटिंग में आती है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, सबसे पहले इन्फॉर्म करना, सूचना देना कि हमने क्या सूचना देनी है, दूसरा उसके बारे में क्या परसुएट करना, उनको मनाना किस तरह से क्या करना है, उसको भेजने का तरीका क्या होगा, हमारा कार्ड होगा, इनवॉइस होगा, इन्वेंटरी होगा, फिर ईमेल मैसेज कैसे कैसे होगा, या लेटर लिखेंगे तो बिजनेस लेटर, फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, अगला रिपोर्ट राइटिंग और उसके बाद प्रपोजल्स। तो ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत, प्रोफेशनल राइटिंग में, ठीक। प्रोफेशनल राइटिंग के बाद अगला इसी में है पर्पज ऑफ प्रोफेशनल राइटिंग, प्रोफेशनल राइटिंग के क्या क्या उद्देश्य है। नंबर एक है प्रोत्साहन देना, टू इनकरेज एक्शन, दूसरा है सूचना देना, तीसरा है पीछा करना, परस्यू करना, मनाना, अगला है इन्फॉर्म करना, और जो हमारे अगला है जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए हैं उन उद्देश्यों को शेयर करना, एक दूसरे पर बताना। अब यहां पर हमने जो काम किया, एक तो इंटर्नशिप के बारे में लिखा है कि हम जिस स्कूल में भी गए वहां हमने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद देखा कि किस तरह से क्या क्या वहां पर होता है, ये सब इंटर्नशिप के अंतर्गत था। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, प्री मीन आपका बीएड कोर्स या एमएड कोर्स, एमएड कोर्स के दौरान या बीएड कोर्स के दौरान जब आप पढ़ाने गए तो किसी भी स्कूल में, वो आपकी इंटर्नशिप थी। और यह क्या था, किस तरह से था, क्या क्या आपने देखा, ये सब आपने वहां किया। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं इट्स ए ग्लोबल परस्पेक्टिव, केवल व्यक्तिगत नहीं, यह जो है पूरा क्या है, ग्लोबल है, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया में जो हम देखें तो बीएड, डीएड, एमएड ये सारे कोर्स चलते हैं, इन सब में इंटर्नशिप है, और आपने भी कहीं कहीं इंटर्नशिप की होगी, इसके बारे में आप बता सकते हो, आप लिख सकते हो कि क्या क्या आपने वहां पर देखा, क्या किया। एक दूसरा हमने लिखा हुआ है इसी में, वो है आपका स्कूल वाइड लिटरेसी एक्शन प्रोग्राम, साक्षरता मिशन। तो कॉलेज ने जो है पिछले साल दिसंबर में साक्षरता मिशन के तहत अटाली दयालपुर में एक साक्षरता मिशन चलाया था कि जहां जहां लोग निरक्षर हैं वहां पर जाकर के एक घंटा उनको पढ़ाना, अल्फाबेट सिखाना, अ आ क ख सिखाना, गिनती सिखाना। इसमें एमएड के बच्चे और बीएड के बच्चे इन सब ने मिल करके किया था, और यह जो है जो कंसर्न जो प्रोफेसर थे उनके साथ में जाकर के यह काम पूरा किया गया था। अगला है बुक रिव्यू। बुक रिव्यू का मतलब होता है कि कोई भी किताब आपने पढ़ी है और उसके अपने शब्दों में उसका वर्णन कर रहे हो कि उसमें क्या क्या है। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो दो तरह की बुक रिव्यू होती है, एक होता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिव्यू वर्णनात्मक,
दूसरा होता आलोचनात्मक या क्रिटिकल रिव्यू। आलोचनात्मक में उसकी आलोचना करते हैं, कमी इत्यादि सब निकालते हुए करते हैं। तो यहां पर हमने जो बुक रिव्यू किया हुआ है, किताब का नाम है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन एजुकेशन, और इसके राइटर हैं डॉक्टर जसीम अहमद, जो प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली में। ठीक, तो बुक का फॉर्मेट के बारे में देखते हैं, तो बुक बहुत सुंदर है जिसमें 288 पेजेज हैं। 2012 में सबसे पहले यह पब्लिकेशन इसको पब्लिश किया गया था, प्रकाशित हुई थी। इसको प्रकाशित करने वाले पब्लिशर का नाम है नील कमल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड फरीदाबाद। और किसी भी किताब के लिए एक स्पेशल नंबर होता है जिसे हम ISBN नंबर कहते हैं, ये इसका ISBN नंबर, और उसके बाद उसकी कीमत अर्थात फॉर्मेट के अंतर्गत बुक क्या है, कितने पेजेस की है, कब पब्लिश हुई, किसने पब्लिश की, उसका ISBN नंबर क्या है और उसकी प्राइस या कॉस्ट क्या है। फिर इंट्रोडक्शन में आते हैं, तो यहाँ पर डॉक्टर जसीम अहमद के बारे में है कि डॉक्टर जसीम अहमद जो है वह प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में, जो यह किताब उन्होंने लिखी है बीएड एमएड डीएड और एमए एजुकेशन के बच्चों के लिए लिखी हुई है। और इस बुक में जो है टोटल 10 चैप्टर हैं, और इस तरह से इसके जो कंटेंट है इसके अंतर्गत क्या क्या लिखा गया इसका वर्णन देखें। तो सबसे पहले प्रीफेस है, प्रीफेस का मतलब है पहले पहले उसमें कंटेंट क्या क्या। तो इस तरह से किताब में, इस बुक में, इस किताब में टोटल कितने 10 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में कंप्यूटर के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया गया है, दूसरे चैप्टर में कंप्यूटर कैसे काम करता है इसके बारे में बताया गया है, तीसरे चैप्टर में माइक्रोसॉफ्ट विंडो XP कैसे चलता है, कैसे काम करता है ये बताया गया है, चौथे चैप्टर में माइक्रोसॉफ्ट विंडो 2003 के बारे में बताया गया है, चैप्टर 5 में एक्सेल शीट कैसे बनाते हैं, कैसे बनती है इसके बारे में बताया गया है, चैप्टर 6 में कंप्यूटर और ICT का शिक्षा में क्या अनुप्रयोग है। चैप्टर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बताया गया है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का शिक्षा में क्या उपयोगिता है। और चैप्टर 7 है जिसमें इंटरनेट के बारे में बताया गया है कि इंटरनेट क्या है, ई लर्निंग क्या है, और चैप्टर 8 में बताया गया है कि मल्टीमीडिया क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, और MS PowerPoint कैसे काम करता है। चैप्टर 9 में कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज इन असेसमेंट इवेल्युएशन, मूल्यांकन के लिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का किस तरह से प्रयोग होता है इसका वर्णन है। और चैप्टर 10 में कंप्यूटर के बारे में है कि किस तरह से हम इसका मैनेजमेंट और इसका एडमिनिस्ट्रेशन करें, और इसमें अंत में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, रेफरेंस दिया गया है। तो इस तरह से हम ये देखें तो यह किताब बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, सामान्य लैंग्वेज में है, और मैं यही कहूंगा कि सबको कंप्यूटर सीखने के लिए इस किताब को पढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना बहुत है, बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको एक बार जरूर सुने, सुनने के बाद अपना वायवा देने के लिए, अपना जो भी है प्रैक्टिकल फाइल इत्यादि के लिए, ये आपको बहुत सहायता देगी, बहुत हेल्प देगा। एंड थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स।